मैनपुरी जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र चंद्रेश्वर रोड पर एक जिम संचालित है, जिस पर गाड़ी को देख के एक सिक्योरिटी गार्ड दीपक कुमार देख रेख करता है, जहां तीन युवक पार्किंग में खड़ी बाइक चुराने के इरादे से हैंडल लॉक तोड़ने लगे, जिन्हें गार्ड ने रोका। अपने को फिरता देखा उन चोरों ने गार्ड पर फायर कर दिया। दीपक कुमार के जांघ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहायता से गार्ड की सेफ्टी ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद इसकी गंभीर देखते हुए सैफई रेफर कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ सिटी संतोष कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैन पुलिस से उनीस खान की रिपोर्ट। पार्किंग में बैठता ही लड़का सिक्योरिटी के लिए, तो ये बैठा था, वो आया चाबी लगा रहा था, तो उसने ऐसे शक हुआ, वो उसने कितने लोग, तीन लोग थे बाइक से आए थे, उसने शक हुआ, उसने पकड़ लिया, पकड़ नहीं पाया उसने तब तक गोली चला दी, उसे शक डर के चक्कर में गोली मार दी उसने, एक को मिस हुआ, दूसरी गोली उसके लग गई, हम लोग पीछे जब तक गए तब तक वो भाग गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रेश्वर रोड पर और जिम की वॉप है, वहाँ पे जिम लोग करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दीपक कुमार जिम का, वहाँ पे कुछ अज्ञात चोर वाहन जो है लॉक तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल, उसके द्वारा मना किए जाए पर उसकी फायरिंग कर दी अज्ञात चोरों ने, उसके जंघे में गोली लगी है। जो पुरानी बस्ती दोपड़ा का रहने वाला है, यहाँ हॉस्पिटल लाया गया था, हॉस्पिटल से जो है रेफर किया गया सब, क्या कुछ पता लगा चोरों का सर? पुलिस तो मौके पर है और हर सीसीटीवी फुटेज और हर जो वहाँ पे बरसी हैं उससे बात की जा रही है, जो भी जानकारी होगी तत्काल कार्रवाई की जाएगी।